ஸ்ரீவசாப்லேசிம் கேசிம் விஷ்ணுதனசம் ஞானசமானஸ்வம் சமாசேச்ச ஓசம் பயாமி சம்மம் ஜத்தோடி மானசாம்பத்தி. பிரவச்சன சார்ஜி கிரந்த பேஜ் நம்பர் 23-24. ये किस रखने की जरूरत है? छोटी गाथा नंबर 15. कल ये बात अपन ने कही थी कि शुद्धोपयोग के तत्काल बाद क्या प्राप्त होता है. शुद्धोपयोग के तत्काल बाद होने वाला शुद्ध आत्म स्वभाव की प्राप्ति अर्थात केवल ज्ञान, उसकी यहाँ प्रशंसा करते हैं. इसकी एक पंक्ति का अपने अनुवाद किया था, वो ओम विशुद्धो जो विगत आवरण अंतराय मोह रहो. वो ओम विशुद्धो जो मतलब जो उपयोग की विशुद्धि सही थे, अर्थात जो शुद्धोपयोगी जीव है, विगत आवरण अंतराय मोह रहो. आवरण जिसके विगत हुए हैं, आवरण कौन कौन से हैं? तो दर्शनावरण और ज्ञानावरण जिसके विगत माने चले गए, और क्या क्या चले गया है? अंतराय और मोह रूपी रज. तो जो शुद्धोपयोगी है मतलब उसके चार घाती कर्मों का अभाव हो गया है. भूतो सये मे वादा, सैमे वादा, भूदो सैमे वादा, वह आत्मा स्वयं ही जादि परम ने भूदानम, जो ने भूत है, गे भूत है, जितने गे है उनके परम माने पार को, जादि माने प्राप्त, भूदो माने होता है, वह आत्मा स्वयं ही गेयों के पार को प्राप्त हो जाता है. क्या ये पूरी मतलब इसका अर्थ सीधा सा ये कि चार घाती कर्मों का अभाव करके वह गेयों के पार को प्राप्त कर लेता, वह आत्मा गेयों के पार को प्राप्त हो जाता है स्वयं ही. इसमें यदि पूरी पंगाथा में यदि अपन पूछे कि भाई जोर किस पे है, कि शब्द पे पूरा जोर है, तो ये तीसरा जो पद है ना, भूदो सयमे वादा, वह आत्मा स्वयं ही क्या, वो किसी की सहायता से नहीं, वह आत्मा स्वयं ही गेयों के पार को प्राप्त हो जाता है. इस पे बल है पूरा, समझ में है ना? मतलब किस पे जोर किस पे है पूरा, कि वो किसी अन्य की सहायता से, किसी की कृपा से, किसी की मदद से वो गेयों के पार को प्राप्त होता हो, ऐसा नहीं है. वो आत्मा स्वयं ही वादा, वो स्वयं ही आत्मा गेयों के पार को प्राप्त हो जाता है. मतलब वो यहाँ एक तो यहाँ ये बात करेंगे, स्वयं ही आत्मा मतलब उस आत्मा को किसी और की मदद की जरूरत नहीं है, माने केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए किसी अन्य की सहायता की आवश्यकता नहीं है. इसके तत्काल बाद उस स्वयंभू वाली गाथा आएगी, उसमें भी ये है कि आत्मा इसको प्राप्त करने के लिए, केवल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है, माने ये स्वयं ही सारे षटकारक की अपेक्षा से स्वतंत्र है. वो स्वयं ही करता है, स्वयं ही अपने आप को केवल ज्ञान देने के लिए, उस केवल ज्ञान ही उसका कर्म है, स्वयं के द्वारा ही प्राप्त किया है, स्वयं के लिए ही प्राप्त किया है, स्वयं से प्राप्त किया है, स्वयं के आधार से प्राप्त किया है, माने इस केवल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वो जीव स्वयं ही स्वयं भू है. क्या है वो?
स्वयंभू। ये स्वयंभू क्या होता है? स्वयंभू से बनता है शंभू। शंभू बोलते ना ये लोग अन्य मत में शंभू शंभू, ये शंभू कुछ नहीं है, ये स्वयंभू का शंभू हो गया है। हाँ, स्वयंभू माने कि किसी अन्य की मदद के बिना। दुनिया में होता है कि स्वयंभू नेता, स्वयंभू नेता माने इन नेता को किसी और ने नहीं बनाया है, ये किसी की कृपा से नहीं बने हैं, क्या ये किसी की मदद से ये चुने, मतलब मंत्री जो भी है, ये किसी का आशीर्वाद, किसी की कृपा, किसी की सहायता नहीं है इनको, ये स्वयंभू है, ये अपने स्वयं के बल पे है। क्या इसमें पर की निरपेक्षता बतानी है कि दूसरे की सहायता के बिना उन्होंने ये चीज प्राप्त की है, मैंने ये इसको प्राप्त करने के लिए वो पूरी तरह से स्वतंत्र है और निरपेक्ष है, उसको कहीं किसी और की तरफ जो है परापेक्ष होने की आवश्यकता नहीं है, मैंने किसी और की तरफ पराधीन होने की कि भाई ये होगा, किसी और की तरफ आधीन होता ना, पर मुखापेक्षी दृष्टि होती है, ये कार्य होगा तो मेरा ये होगा, ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, ऐसा कुछ भी नहीं, तो पूरी तरह से स्वतंत्र व स्वाधीन है वो, स्वयंभू है, मतलब उसमें पूरा का पूरा केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए छह कारक उसमें स्वयं में घटित होते हैं, वो पूरा स्वतंत्र है। सब कर्मों के अभाव से केवल ज्ञान हुआ तो शुद्धोपयोगी आत्मा ने कर्मों का अभाव किया और फिर कर्मों ने इसको क्या दिया? केवल ज्ञान दिया। तो आत्मा तो कर्मों का अभाव करे, कर्म इसको क्या देवे? केवल ज्ञान देवे। तो ये बीच में इस कर्म के अभाव को बीच में लाने की जरूरत क्या है? सीधे आत्मा ने स्वयं ने अपने में केवल ज्ञान प्राप्त किया और उसी काल में कर्मों का अभाव हुआ। क्या कर्मों के अभाव ने केवल ज्ञान दिया कि केवल ज्ञान पर्याय उसने स्वयं में अपनी शुद्धता के द्वारा प्रकट की? ये केवल ज्ञान, ये कर्मों का अभाव करे और कर्म इसको केवल ज्ञान दे कि स्वयं में विशुद्धता की प्रकट होने पर स्वयं ही ये हुआ। क्या हुआ? स्वयं गेहो के पार को प्राप्त हुआ, स्वयं केवल ज्ञान को प्राप्त हुआ, भूदो स्वयं वादा। उस काल में क्या हुआ कि उस काल में कर्मों का अभाव हुआ कि नहीं हुआ? जरूर हुआ। कर्मों के अभाव ने केवल ज्ञान दिया कि नहीं दिया? नहीं, कर्मों के अभाव ने नहीं दिया। कर्म का अभाव उस काल में है कि नहीं है? है। कर्म का अभाव बराबर है, चार घातिया कर्मों का अभाव है, आवरण का अभाव है, लेकिन आवरण के अभाव ने उसको उत्पन्न किया है कि उसने अपनी शुद्धता के द्वारा उत्पन्न किया अपने स्वयं को। आगे एक कहता है कि उसमें तो पूरे षटकारक लगाएंगे, उसकी तरफ बढ़ने के पहले बता रहे हैं कि ये जो उपयोग विशुद्ध आत्मा है, ये उपयोग विशुद्ध आत्मा के ये चार घाती कर्मों का अभाव होकर क्या होता है कि ये जो है गेहो के पार को प्राप्त जाता है, केवल ज्ञान को प्राप्त कर ले। और ये जो ये है ना भूदो सहमे वादा, ये भूदो सहमे वादा ये यही की यही बात न्याय है, और भूदो सहमे वादा यही की यही बात अगली गाथा का है। स्वयमे होता हुआ, स्वयं ही होता हुआ, क्या ये स्वयं ही हो रहा है, मतलब ये कोई करने वाला नहीं है, उसको कोई कराने वाला कि वो कराएगा और वो फिर वो उससे रहित होगा, वो स्वयं ही उस रूप हो रहा है, उस रूप परिणम रहा है। हाँ, तो वही तो कह रहे हैं, उसने दिया आत्मा ने कर्मों का अभाव किया और कर्मों ने केवल ज्ञान दिया, ये निमित्त निमित्त कथन है। वस्तुतः आत्मा में क्या हुआ? क्या आत्मा में विशुद्धता की वृद्धि हुई तो उसमें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, यही तो, यही तो इसी के ऊपर तो वजन देना उनके कर्मों का अभाव अपने में हुआ। कर्म कर्म किसकी, मतलब कर्म जो है वो किसकी पर्याय है? उद्गल की है, तो उस काल में उद्गल का कार्य उद्गल में हुआ,
और जीव का काल जीव में हुआ। क्या जीव मतलब जिस काल में जीव की विशुद्धि हुई और विशुद्धि होते हुए वह स्वयं ही केवल ज्ञान रूप पर्याय से प्रणमा, और बाहर क्या हुआ कि बाहर सच का कर्म थे, जब तक केवल ज्ञान नहीं था तब तक वो कर्म का सद्भाव था, अब केवल ज्ञान हो गया तो कर्म का भी अभाव हो गया। क्या मैंने वो केवल ज्ञान हम कह रहे हैं कि इसको बीच में मतलब ये जी उसका करे और वो उसका करे, तो ऐसे उसको बीच में खड़ा करने की जरूरत क्या है तुमको? ये आगे ये अगली जो गाथा है इसमें क्लियर आएगा। यहाँ तो केवल उसकी मैंने आपको एक हिंट दी है कि वो जो आगे बढ़ रहे हैं वो कहाँ बढ़ रहे हैं, कि वो विशुद्ध आत्मा स्वयं ही इस अवस्था को प्राप्त करता हुआ, मतलब उसको किसी अन्य की सहायता की आवश्यकता नहीं है। जैसे वो विकार वो इसमें 85 काय में विकार रूप परिणाम ने के लिए उसको स्वतंत्र कहा कि वो विकार रूप परिणाम आए तो स्वतंत्र अपने षटकारकों से विभाव रूप परिणाम था, मैंने विभाव रूप भी परिणमने के लिए कोई दूसरा कारण नहीं है, ऐसे ही अपने स्वभाव रूप पढ़ने में भी वो स्वयं ही परिणमा है, उसको किसी अन्य ने मैंने किसी ने उसको परिणमाया नहीं। क्या कर्म तो ऐसे ही पौगली के जड़ है, एक्चुअल में उस समय क्या होता है इसका ज्ञान कराया है कि उस साल काल में क्या होता है। जिस काल में जीव अशुद्ध भाव रूप परिणमता है, शुद्ध उपयोगी नहीं है, उस काल में वो जो है छदमस्त है, ज्ञान आवरण मतलब ज्ञान के आवरण सहित है, संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति रूप नहीं है। और जिस काल में जीव शुद्धोपयोग रूप प्रणमित होता है तो शुद्धोपयोग रूप प्रणमता हुआ तत्काल बाद क्या होता है कि तत्काल बाद वो केवल ज्ञान की प्राप्ति करता है, तो केवल ज्ञान की प्राप्ति किससे हुई कि स्वयं से हुई। क्या वो उस मतलब उस काल में कर्मों का अभाव हुआ है, उससे कोई इनकार नहीं कि उस काल में क्या हुआ है, लेकिन वो कर्मों का अभाव हुआ है वो तो उसको ज्ञापक कारण है, मैंने उसका अभाव हमें उसके यूं कहे अपन कि ये चीज जैसे रोहिणी होता है ना, ज्ञापक कारण मतलब ये इसने केवल अपने को बताया है। कर्तरी कारण क्या होता है कि जिसने किया है, और ज्ञापक कारण कि जो उस चीज उसकी सत्ता को बताती है ये चीज ऐसी है, उसने उसे उत्पन्न नहीं किया है। नक्षत्र होता है ना नक्षत्र, तो इस नक्षत्र के बाद ये नक्षत्र आएगा और इस नक्षत्र के पहले इसका उदय था, तो वो नक्षत्र का गमन तो अपने स्वतंत्र है, लेकिन अभी ये नक्षत्र देखा तो इससे इसके पहले ये नक्षत्र था और इसके बाद ये नक्षत्र आएगा, तो वो नक्षत्र एक दूसरे को कुछ किए बिना अपने पहले वाले होने वाले और अपने बाद में होने वाले नक्षत्रों का ज्ञान कराते हैं, वो एक दूसरे को कुछ करते नहीं। रात्रि है तो रात ने बताया कि अभी सूरज का इसके पहले सूरज था, दिन था, इसके बाद दिन आएगा, एक दूसरे को किए बिना जो कारक होते हैं ना, केवल अपने 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 अपनी सत्ता से अन्य की सत्ता को बोधित करते हैं। तो ये बताया गया कि उस काल में क्या हुआ, ये हुआ क्योंकि ये तो ये क्या है कि जो जो अचेतन जड़ है वो अचेतन जड़ इसके केवल ज्ञान को उत्पन्न कैसे करेगा, वो केवल ज्ञान उत्पन्न किया वो किसने किया है, वो किसमें से हुआ है और किसके कारण से हुआ है, तो वो उसकी उपयोग की विशुद्धि के निमित्त से हुआ है और कोई दूसरा कारण नहीं है, और उपयोग की विशुद्धि के निमित्त से क्या है, कर्म स्वयं में जड़ है, कर्म कर्म में जड़ है, और जीव का जीव में केवल ज्ञान रूप पर्याय प्रकट है। कर्म की जो अपनी अवस्था है वो पूरी तरह से निरपेक्ष है, उसके कर्म के षटकारक पूरी तरह से अपने में स्वतंत्र है। कर्म की जो पर्याय हुई मैंने कर्मत रूप से प्रणमता था अब तक, वो अब वो कर्मत रूप पर्याय से रहित हुआ तो वो किस में हुआ, कर्म में हुआ। क्या किसके कारण से हुआ, वास्तव में देखा जाए तो किसके कारण से हुआ, वो कर्मों के खुद के कारण से हुआ। निमित्त निमित्त एक संबंध है, वास्तव में जिसकी जो पर्याय हुई उसमें असली कारण कौन है, वो स्वयं। क्या जीव की जो शुद्ध पर्याय हुई उसमें कारण कौन है, जीव स्वयं है, इसलिए कर्म की जो कर्मत्व से सहित पर्याय थी और अब कर्मत्व रहित पर्याय हुई उसमें असली कारण कौन है, वो पौगोलिक कर्म स्वयं ही है, वो स्वयं अब तक कर्मत्व रूप प्रणमता था और अब स्वयं कर्मत्व रूप प्रणमने का उसमें अभाव हुआ,
जीव ने पुद्गल में किया और पुद्गल ने जीव को किया, वो कहते हैं ऐसा नहीं, दोनों में अपनी अपनी शक्ति स्वयं है। स्वयं वो आत्मा गेहो के पार को स्वयं ही प्राप्त हुआ है। देखो इसमें है स्पष्ट, पढ़ता हूँ भले इसका अन्वय पढ़ो गए है? हाँ, अशुद्ध अवस्था में भी पूरा स्वतंत्र है और शुद्ध अवस्था रूप आनंद के भी स्वतंत्र है, स्वतंत्र बांधने में भी स्वतंत्र था, दोनों तरफ स्वतंत्र है। वो उसने ही किए, मतलब वो अपराधी किसी और को नहीं बना सकता। यदि वो अपराधी दूसरे को बनाएगा तो फिर क्रेडिट भी दूसरे को देना पड़ेगा। यदि विकारी भाव करने के लिए मेरे को कर्म ने कराए हैं तो फिर केवल ज्ञान भी कर्म ने कराया, और यदि विकारी भाव मैंने खुद ने किए हैं तो उसका अभाव करने के लिए भी मैं ही कारण। क्या है कि जैसे हम यदि अपराध का मत्था किसी और के सिर पे फोड़े तो क्रेडिट भी उसको ही देनी पड़ेगी, और यहाँ पूरी तरह से अपने हाथ में सत्ता बताने के लिए कि पूरी जिम्मेदारी भी तेरी है, कर्म ने तेरे को रुलाया, कर्म ने विकारी बनाया। क्या ये तो केवल स्वभाव नहीं है जीव का इतना बताने के लिए था, लेकिन कर्म ने कुछ नहीं किया है। कर्म यदि कर्म विचारे कौन, भूल मेरी अधिकाई, वो जीव को स्वयं हो ही रागी द्वेषी करते कर्म बिठा के इसको, मैंने जीव इसको जबरदस्ती मोही रागी द्वेषी, कर्म जीव को विकार भाव रूप परिणमता है कि जब जीव स्वयं परिणमता है तो कर्म उसमें निमित्त होता है। यदि कर्म जीव को विकार भाव रूप परिणमाए तो कर्म को सचेतन पना भी चाहिए और ज्ञान भी चाहिए, बलवान पना भी चाहिए और ज्ञान भी चाहिए, लेकिन कर्म न तो बलवान पना है उसमें और न कोई ज्ञान है। ये जीव स्वयं विभाव भाव रूप परिणमता है तो उसको निमित्त कहा जाता है। उसकी भूल किसकी, अपन अपने ऊपर नहीं डाले ना जब तक कि ये भूल किसकी है, स्वयं की। मैं भूल स्वयं के, मैं स्वयं अपने आप से भूला हूँ। कर्म तो बेचारा क्या है, जैसे कोई व्यक्ति पागल रूप परिणमता है तो वो उसका अपना अपराध स्वयं का है, लेकिन उसमें मोहन धूल या मद्यपान कोई उसमें निमित्त हुआ, लेकिन उसमें पागल रूप परिणमने की शक्ति किसमें थी, खुद में थी ना उसकी। जब उसकी अपने को उसकी स्वयं की शक्ति पे बल देना होता है तो अपन उसको गौण कर देते हैं, उसका अभाव नहीं माना है, उसको गौण कर दिया जाता है कि जीव अपनी निज की शक्ति को पहचाने। ये अब तक पराधीन ही पराधीन होता हुआ, कभी इसने कर्म के तरफ देखा, कभी इसकी तरफ देखा, और अपनी शक्ति को अनादिकाल से पहचाने ही नहीं। अपन पढ़ते ना पूजा में भी, वे भूल स्वयं के वैभव को पर ममता में हट जाए, जड़ कर्म हुकुमाते हैं मुझको, ये विद्या भ्रांति रही थी। मैं राग द्वेष किया करता, जब परिणति होती जड़ के, और भी बहुत सारी है इसमें देवशास गुरु की इसमें। और पूजा ही क्या, मतलब पूरा ये जो छोटी छोटी बुधरदास जी की ये भावना है कि पंक्तियां स्तुति देव स्तुति पुस्तक में है कि तुम कर्म को दोष दे रहे हो लेकिन तुम स्वयं तो निर्दोष बने फिर रहे हो। देखो क्या है कि एक कार्य होने में अनेक कारण चाहिए, तो जब जीव की ये जो यहाँ उपादान शक्ति के ऊपर पूरा बल देते हैं कि जो जीव विभाव रूप परिणमा है तो वो किसके कारण परिणमा है कि स्वयं के कारण, उसका अपराध किसका है, स्वयं का। क्योंकि हम यदि कर्म पे डाल देंगे तो कर्म पे तो हमारी कुछ चलनी नहीं है, हमारी चलनी किस पे, स्वयं पे चलनी, हम किस पे चला सकते। कर्म तो ज्ञापक चीज है, कर्म वास्तव में कर्म अपने आप में स्वयं कोई चीज नहीं है, ये जीव स्वयं विभाव भाव करता है, विभाव भाव करता है तो उसको निमित्त कहा जाता है। विभाव भाव रूप नहीं परिणमे तो कर्म इसको विभाव रूप परिणमाने के लिए कोई कारण नहीं कि उसको विभाव रूप परिणमाएगा। स्वयं स्वयं की भी कुछ अपना अपराध है कि नहीं है कि वो दूसरे ही के ऊपर मत के और आपने कुछ नहीं किया क्या, मैंने इस परद्रव्य का अपराध देख देख कर कोई जीव स्वयं निर्दोष ही नहीं हो सकता। उसको यदि निर्दोष होना है तो वो स्वयं को ही विशुद्धि प्रकट करनी होगी, स्वयं ही वैसा होना होगा। वो दूसरे के ऊपर न तो अपन दूसरे के ऊपर अपराध बन सकते हैं और न दूसरे से इसकी दया की या किसी चीज़ की भीख मांग सकते कि हे कर्म तू हट जा, तू अलग हट जा, हे ज्ञानावरण दर्शनावरण तू हट जा, वो क्या करेंगे, तू आगे बढ़,
वो तो स्वयं हटे हुए हैं। उसमें इसी के अंदर आया था ना कि मैं कर मैं क्या करूँ, तत्व विचार करने में भी कर्म का ही दोष है। अपने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो उन्होंने कहा कि और कार्यों में तो अपना पुरुषार्थ करे, और यहाँ कहे कि कर्म का उदय है तो जान पड़ता है कि इसमें तेरी रुचि नहीं है। जिसमें रुचि होती है उसमें कर्म वर्म का उदय दोष होता है। आत्मा कल्याण जब कर्म का उदय होगा तब हो जाएगा। और पैसा कमाना मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? तो जैसे वो तू करने में लगा है ना, ऐसे इधर भी लगा ले। बल्कि इसमें होना ये चाहिए था कि आत्मा के कल्याण का काम तो मेरे ही हाथ का है, और बाकी बाहर का जो भी कुछ होना है उसके लिए कर्म उदय का, उसके लिए कर्म का उदय जिम्मेदार। लौकिक चीजों के लिए कर्म के उदय को लेके आए कि इसका डिपार्टमेंट अघाती कर्मों को दे रखा है, लेकिन लौकिक कार्यों में तो अपना पुरुषार्थ लगाता है, सारा क्रेडिट लेता है, और धर्म के कार्य को कहता है कि ये तो सब कर्म के उदय। मैं क्या करूं, तत्व विचार क्यों नहीं होता? कर्म का उदय कारण। तो वो पुरुषार्थ करने से कभी कोई पुरुषार्थ करेगी क्यों? क्यों करेगा? वहां भी जीव पुरुषार्थ करते हैं, वहां भी परिणाम स्वयं करता है, इसलिए तो निकलते हैं। अनंतानंत जीवों में जो एक जीव निकलता है, कैसे निकलता है? पुरुषार्थ करके निकलता है। कर्म के उदय तो सबके हैं, सामान्य रूप में सबके कर्म के उदय, फिर भी उनमें से जीव पुरुषार्थ करते हैं। इतना तक पुरुषार्थ कर लेते हैं वहां से निकलने वाले जीव कि वो चक्रवर्ती के पुत्र होने जैसा एक पर्याय वाला चक्रवर्ती के पुत्र वहां से निकलते, वहां से निकल के मनुष्य के मोक्ष जा सकते हैं। बाधा नहीं होती जो कुछ है, मतलब पूरी सत्ता इसके ऊपर डालनी, पूरी की पूरी जिम्मेदारी, पूरा मतलब पूरी ताकत तेरे हाथ में है। सारी की सत्ता, सारी की सारी जो सत्ता है वो अपने हाथ में दे रहे कि तू यदि संसार के लिए जिम्मेदार है तो तू खुद ही है, मुक्ति के लिए जिम्मेदार है तू स्वयं। सारी की सारी मतलब जिसको कहते हैं ना, सारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारा दायित्व उत्तरदायित्व इस जीव के हाथों में दे रहे हैं कि यदि तू संसार के लिए जिम्मेदार है तो तू स्वयं ही है, और मुक्ति के लिए भी तो तू स्वयं ही, कोई दूसरा नहीं। यही तो ही पुरुषार्थ नहीं करता है तो इसमें कौन कारण है? तू स्वयं। और तू यदि करता है तो इसका कारण कौन है? तू स्वयं। केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए भी तू ही कारण है, और केवल ज्ञान की प्राप्ति न हो तो उसके लिए भी तू ही कारण है। अशुभ उपयोग के लिए, शुभ उपयोग के लिए भी तू ही कारण है, और ये शुद्ध उपयोग के लिए भी तू ही कारण है। केवल ज्ञान की प्राप्ति का कारण भी तू स्वयं ही। किसमें से होगी केवल ज्ञान की पर्याय काय में से निकलेगी? स्वयं में से। वो स्वयं ही आत्मा स्वयं ही केवल ज्ञान रूप होता हुआ गेहूं के पार को प्राप्त होता है, स्वयं ही। वो कोई अन्य में से नहीं आई है, वो जो केवल ज्ञान रूप पर्याय आई है वो काय में से आई है? स्वयं में से आई है, उसका कारण स्वयं ही। देखो जो उपयोग विशुद्ध है अर्थात शुद्धोपयोगी है वह आत्मा ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय और मोहरूप रज से रहित स्वयमेव होता हुआ, स्वयमेव आधा स्वयमेव होता हुआ ये भूत पदार्थों के पार को प्राप्त होता है। यानी कह रहे केवल ज्ञान प्राप्त करता है, वो क्या कह रहे हैं? ये भूत पदार्थों के पार को प्राप्त होता है। ये भूत पदार्थों के पार को प्राप्त होता है क्या मतलब? ये माने जितने भी जानने योग्य पदार्थ है उनको पार जाता है, उनके पार को प्राप्त हो जाता है। क्या अर्थ हुआ? जितने गे हैं सारे गेहों के पार को प्राप्त हो जाता है। समस्त गेहों को जान लेता है, ये कहने की तरीका है, समस्त गेहों के पार को प्राप्त होता है। क्या? समस्त गेहों को जान लेता है। लोका लोक तीन काल सबको, जो कुछ गे है जो जानने योग्य है उन सबके पार को प्राप्त हो गया है। जो कुछ भी जानने योग्य माने क्या? जानने योग्य, जो भी कुछ जानने योग्य है उन सबको जान लिया है। गे सारा लोका लोक ही गे, क्योंकि सबके अंदर प्रमेयत्व नाम का गुण है ना, जो सबके सब अपने आप को जनाते हैं। सब में मैंने सब में प्रमेयत्व नाम की शक्ति होने से सभी के सब जानने के योग्य है, और आत्मा स्वयं भी जानने योग्य है। आत्मा के भी है, ज्ञाता भी। भविष्य काल की जो पर्याय है वो वर्तमान भले ही नहीं हो लेकिन
उसका अस्तित्व उस काल में है कि नहीं, वो गे है कि नहीं। गे का मतलब ये तो ही नहीं कि जो भूतकाल की जो पर्याय नष्ट हो गई है वो गे नहीं है, और जो पर्याय अभी उत्पन्न नहीं हुई है वो गे नहीं है। गे का मतलब जो भी जानने योग्य, तो जानने योग्य केवल आज की चीज है कि कल की चीज भी जानने योग्य है। ज्ञान के योग्य, अरे अपने लिए ही जानने योग्य, कल अपना क्या हुआ था, अपन अपने चित्र को देखते हैं तो गे नहीं बनता है, अपन स्मरण में करते हैं गे नहीं बनता है। वो ज्ञान की दिव्यता ही क्या है, इसमें कथा आएगी। वो ज्ञान क्या दिव्य, वह ज्ञान की दिव्यता ही क्या, जो ज्ञान भूत को और भविष्य को न जाने वो ज्ञान दिव्य कैसे होगा। प्रमेय तो गुण का मतलब ये तो ही नहीं केवल वर्तमान पर्याय उसके ज्ञान का गे बने। प्रमेय ज्ञान को जो जो वस्तु है वो अपनी अनंत पर्यायों सहित जानने का विषय बने, तभी तो वो गे बनी है पूरी की पूरी। यदि एक पर्याय मानेंगे तो कौन सी पर्याय ले रहे, कोई भी वस्तु उसमें प्रमेय तो गुण बने, वो किसी न किसी के ज्ञान का विषय बने, तो वो ज्ञान का विषय कौन सी पर्याय बने, वर्तमान कि सारी पर्याय ज्ञान का गे बने। जो पर्याय अभी उत्पन्न नहीं हुई है और जो पर्याय नष्ट हो गई है, यदि ज्ञान उसे नहीं जाने तो ज्ञान की दिव्यता क्या है, क्या फिर वो ज्ञान दिव्य काय के लिए, क्योंकि ऐसा ज्ञान जो कि वर्तमान काल को जान लेता है वो ज्ञान तो अभी भी सबके है, उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी नहीं। पर्याय जो उत्पन्न नहीं हुई और जो पर्याय नष्ट हो गई है उनको ज्ञान जान लेता है, यही तो ज्ञान की दिव्यता है। तो सारे गे क्या है, वो गे है कि नहीं है, जो भविष्य काल में जो पर्याय होने वाली है वो जानने योग्य है कि नहीं, मैंने वो गे गे बना उसमें विद्यमान है कि उसमें गे बना नहीं है। देखो ऐसा है कि ये तो अपने ज्ञान की कमी है कि अपने को मात्र वर्तमान में जो पर्याय होती है वर्तमान अवस्था को ही जान पाते हैं, और अपने को ऐसा लगता है कि ज्ञान वो वर्तमान पर्याय होगी और तभी ज्ञान उसको जानेगा, वो पर्याय होगी तब जानेगा, तो पर्याय के होने से ज्ञान जानेगा, ये मानता है ज्ञान। अपन क्या मानते हैं, अपन गेहो से ज्ञान का अस्तित्व मानते हैं, पर्याय होगी तब ज्ञान जानेगा, और पर्याय नहीं होगी तो ज्ञान कैसे जानेगा। तो गे तो लोकालोक प्रमाण ये भी तो लिखा है, नानम ने प्रमाणम नियम, नानम ने प्रमाणम और नियम लोया लोय प्रमाणम, तो वो लोक और अलोक जो सामने नहीं है आंखें तो कितना जानेगी, मतलब चक्षु इंद्री का विषय तो वर्तमान काल में छोड़ो, जो इस क्षेत्र में जितनी चीजें हैं उसको ही जान सकती है ना, ये दूर दूर स्थित क्षेत्र को भी जानने का काम कौन करता है, दिव्य ज्ञान करता है ना, कि वो यहाँ बैठे बैठे दूर क्षेत्र में स्थित पदार्थ की पर्याय को भी जान लेता है। तो वो ज्ञान जब दूर क्षेत्र में स्थित पर्याय की जान सकता है, दूर क्षेत्र में स्थित पदार्थों की वर्तमान पर्याय जान सकता है, तो वो वही दूर क्षेत्र में स्थित पदार्थ की भूत भविष्य पर्याय को क्यों नहीं जान सकता है। मैंने ज्ञान का ये तो ज्ञान की कमी है कि वो ज्ञान केवल वर्तमान की अवस्था को ही जानता है, ये तो क्षयोक्षम ज्ञान का लंगड़ापन है। वास्तव में ज्ञान की सामर्थ्य तो ये है कि जब वो यदि ज्ञान जाने तो उसके लिए क्या भूत क्या वर्तमान क्या भविष्य, वो त्रिकाल को जाने, वो कोई भी वस्तु है तो उसको संपूर्णतया जाने, उसकी भूत भविष्य पर्याय सहित जाने, तो ही उस वस्तु का पूरा जानना हुआ, नहीं तो उसको जाने ही क्या। आपकी यदि बाल्यावस्था हमको नहीं दिखी और वृद्धावस्था नहीं दिखी तो आपको पूरा जाने ही क्या, जाना का किसी भी एक द्रव्य को जानना तब कहलाएगा जब उस द्रव्य की त्रिकाल अनंत पर्याय सहित उस द्रव्य को जाने, तो उस एक द्रव्य को जाना है, नहीं तो एक भी द्रव्य का जाना हुआ नहीं कहलाएगा। समझ आ रही बात, एक द्रव्य को जानना किसको, एक द्रव्य को जाना, तो जाना तो कितना जाना, उस द्रव्य को पूरा जानना तब कहलाएगा जब आप उसका पूरा पास्ट जानते हो पूरा और पूरा फ्यूचर जाने, तो उसे एक द्रव्य का जानना हुआ, ये तो क्या जाना उसका। और वो जो जानना हुआ है तो ये यदि गेयो के अधीन होता ज्ञान
तो अपन बोल सकते थे कि हाँ अभी जो 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 पर्याय होगी ये उसको ही जानेगा, लेकिन वो ज्ञान गेहों के अधीन तो ही नहीं है, वो तो ज्ञान अपनी स्वयं की शक्ति से प्रकाशमान हुआ है। उसको वर्तमान पर्याय, उसको पर्याय हुई है नहीं हुई है उसको इससे लेना देना ही नहीं है, उसके लिए तो त्रिकाल की पर्याय वर्तमान के समान है। जो भूत और भविष्य की पर्याय अपने लिए भूत और भविष्य है, केवल ज्ञान के लिए वो सब क्या है, वर्तमान वत है, वर्तमान के समान। कोई भी वस्तु को जानते हैं, ये पुस्तक को जानेंगे, किसी को भी जानेंगे, इसको जानेंगे तो इसके त्रिकाल पर्याय से ही जानेंगे। अनंत को अनंत सही से जानेंगे, अनंत रूप जानेंगे, जो पदार्थ जिसकी जो पर्याय अनंत रूप है तो अनंत रूप जानेंगे, अनादि को अनादि रूप से जानेंगे, अनंत को अनंत रूप से जानेंगे। गोल घेरा है, उसका कहाँ आदि और कहाँ अंत है। ऐसी बात है, वापस से अंदर जहां से चालू हुए वहीं क्यों ही आ गए। जिसका अनादि स्वभाव है तो उसको अनादि रूप ही जानेंगे, और अनंत है तो अनंत रूप से जानेंगे। आदि होए तो आदि रूप से जाने ना कि यहां से स्टार्ट हुआ है, और अंत हो तो अंत रूप से जाने, वस्तु जैसी है वैसी रूप में जाने। क्या है देखो कि ये छद्मस्थ जो है अपने ज्ञान से केवल ज्ञान को जानने की कोशिश करते हैं। उन्हें अपने अपने लोटे से समुद्र को नापने की कोशिश करते हैं, जितना नापने में आ जाता उतना नाप लेते हैं। ऐसा है कि अवधि ज्ञान जो है वो भविष्य को जानता ही नहीं जानता है, तो अवधि ज्ञान जान सकता है तो भगवान जिनेन्द्र के भावंडल में दिखे इसमें क्या है क्या हो, ये तो बहुत सारे प्रमाण है इसके आगे। ये है कि जितने भाव होंगे उतने ही दिखेंगे, किसी का एक ही भाव होगा तो आगे के कैसे दिखेंगे, किसी के आगे के मतलब किसी का एक भाव दो भाव होंगे तो दो ही दिखेंगे आगे, किसी के तीन होंगे तीन दिखेंगे आगे, होंगे जितने होंगे उतने दिखेंगे। किनको दिखेंगे, मैं तो कह रहा हूँ अब भगवान का जो भामंडल होता है पीछे उसमें अपने भाव दिखते हैं, मतलब उसमें अन्य जीवों को अपने भाव दिखाई देते हैं, भवी जीवन भवी जीवों को अपने भाव भाव दिखते हैं। अष्ट प्रातिहार्य में एक प्रातिहार्य है, क्या वो मना पड़े, इसके अलावा अवधि ज्ञान है, अवधि ज्ञान से सारी चीजें बता दी, कर्ण कोई उसको बहुत सारे कहानियां हजारों पड़ी पड़ी है वर्तमान योग के अंदर, अवधि ज्ञान के द्वारा मुझे राज्य बता दिया तुम्हारी 7 दिन में मृत्यु होगी, तुम मर के कीड़ा बन जाओगे, हाँ तुम्हारी इतने दिन में मृत्यु होगी, मर के कहाँ जाएंगे, सर्वार सिद्धि को प्राप्त हो, महाराज मेरे पुत्र होगा कि नहीं होगा, हो गए नहीं तेरे पुत्र भी होएगा और वो पुत्र चरम शरीर होगा, हनुमान जी के माँ जो थी जिस गुफा में गई तो गुफा में मुनिराज मिटते, तो उनकी सखी ने पूछा महाराज ये कैसा पुत्र आया है इनकी कोख में, इसको जिस गर्भ में आते दुखी दुख हो गया है, ये कौन अभागा आया है, बोले अभागा नहीं है ये चरम शरीर, इसी भाव में मोक्ष को प्राप्त करेगा क्या, और आगामी काल में ये होगा कि अवधि ज्ञान के द्वारा और ये भविष्य में जानने की बात तो जगह जगह जिनवाणी में पद पद पे लिखी हुई है, पूरा प्रथमान योग इससे भरा पड़ा है। जंगल में गए मुनिराज मिले, उनसे पूछा उन्होंने महाराज जी क्या है, हाँ और भी सब पूरा क्या अवधि ज्ञान से संपन्न मुनिराज, देशावधि परमावधि सर्वावधि ये सब चीजें वर्णन है, तो इसलिए वो है तो उसमें इसमें कोई मतलब आश्चर्य की बात कुछ नहीं है,
क्या है कि जैसा अपने साथ में है तो वो वैसा देखते देखते अपने को लगता है कि ये कैसे हो सकता है। यही तो बात है, जो ज्ञान की जो वर्तमान अवस्था से युक्त है, अपन ज्ञान की जो वर्तमान अवस्था अपनी हो रही है, तो अपने को ऐसा लगता है कि ये कैसे संभव है, तो असंभव चीज है। जबकि कोई भी वस्तु अपने स्वभाव में होती है तो अनंतात्मक ही होती है। देखो प्रत्येक जो वस्तु का स्वभाव होता है वो अनंतात्मक होता है। यदि ज्ञान है तो अनंत रूप ही है, तो जाने तो वो सबको क्यों नहीं जाने, वो वर्तमान पर्याय को क्यों जाने। ये तो ज्ञान की क्षयक्षम की कमी है कि जिससे वो केवल वर्तमान पर्याय को ही जानता है। वो वर्तमान पर्याय को अंदर भी कहा वर्तमान क्षेत्र में जिसमें उसका उपयोग जाए उसमें भी अवग्रह या अवग्रह धारणा हो तो वो जान पाता है, और नहीं तो नहीं भी जान पाता है। और वो भी एक विषय को, स्पर्शन रस गंध वर्ण के एक को, कोई पुद्गल को जानता है, चेतन को क्या जानता है। पुद्गल की वर्तमान पर्याय को, उसमें भी कोई एकाध गुण की एक पर्याय को, वो भी अवग्रह या अवग्रह धारणा से युक्त होकर। अनेक हजारों पराधीनता है यहाँ, तो यहाँ पीछे की चीज नहीं जानने का। अब किसी को लगता है ये कोई जान सकता है, आदमी ये कोई जान सकता है क्या ये पीछे की चीज, ये तो असंभव है। अब ये असंभव है क्या? अरे भाई साहब तुम्हारी आंखों की कमजोरी है कि तुम्हारी आंखें आगे की जानती है, पीछे की नहीं जानती है। तो तुम वो उस रूप अवस्था में रहते रहते तुमको लगने लगा कि पीछे का तो जानना बन ही नहीं सकता। कुएं का मेंढक कहता है ये तो हो ही नहीं सकता, इससे ज्यादा तो कुआ बड़ा हो ही नहीं सकता। तो क्या करें अपन, इसमें यही सर्वज्ञता का ही पूरा वर्णन है पूरा। और दूसरी बात यह कि जो ज्ञान यदि गेय के अधीन होता तो ये बात बराबर हो सकती थी कि ठीक है भैया, जो गेय उत्पन्न होगा तो ही ज्ञान जानेगा, और जो पर्याय नष्ट हो गई उसको ज्ञान कैसे जानेगा। यदि पर्याय ज्ञान गेय अधीन हो तो भूतकाल को भी नहीं जान सकता, क्योंकि वो पर्याय तो नष्ट हो गई, वो पर्याय भी यही काम। यदि उससे ज्ञान आएगा तो वो पर्याय आएगी तो ज्ञान आएगा, जो पर्याय नष्ट हो गई है या जो पर्याय उत्पन्न नहीं हुई है उससे ज्ञान कैसे आ जाएगा। ये जो है ही नहीं अभी यहाँ है ही नहीं वस्तु, जो वर्तमान में स्थिति नहीं है तो उसको जान सकते कि नहीं जान सकते। अरे यूं ही छद्मस्थ के भी सामान्य रूप से विचार करो तो भले ही अभी अपने कोई भी चीज नहीं है लेकिन उसका ज्ञान अभी होता है कि नहीं होता है अपने को, वो गेय के कारण से तो ही नहीं हो रहा है, अपने ज्ञानावरण के क्षयक्षम के निमित्त से हो रहा है। देखो पढ़ता हूँ मैं आगे, तो वो स्वयं ही जान, वो जानता है पूरे लोकालोक को जानता है, सबको सब अनंत पर्याय सहित जानता है। वो प्रमेयत्व का मतलब ये है कि वो जो को जो गे है उन सबको जाने, तो वो अनंत पर्याय गे सब में ये शक्ति है। वो प्रमेयत्व गुण कोई केवल यही काम तो ही नहीं करता है कि वर्तमान पर्याय कोई जनाए, प्रमेयत्व गुण का काम है कि पूरे द्रव्य को जनाए, और द्रव्य को जनाने का मतलब है द्रव्य अनंत पर्याय से सहित है तो वो जनाना होगा उसका। द्रव्य का जनाना मतलब क्या है, पूरा द्रव्य को जानते हैं तो पूरे द्रव्य को जानते हैं मतलब उसके अनंत गुण और उसके अनंत पर्याय सहित जाने तो पूरा द्रव्य का जानना हुआ, नहीं तो द्रव्य को जाना ही नहीं है, एक द्रव्य पूरा नहीं जाना जाएगा। और इसमें आएगी आगे कहा था कि जो एक को नहीं जान सकता वो अनंत को नहीं जान सकता, जो अनंत को नहीं जान सकता वो एक को नहीं जान सकता, सब कहा था है इसमें। ये विषय चलेगा इसमें, इसमें तो है ही सर्वज्ञता की सिद्धि है प्रवचन सा। देखो क्या है, वह आत्मा ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय और मोह रूप रस से रहित स्वयं में होता हुआ ये भूत पदार्थों के पार को प्राप्त होता है। टीका, जो आत्मा चैतन्य परिणाम स्वरूप उपयोग के द्वारा यथाशक्ति विशुद्ध होकर बढ़ता है, यथाशक्ति अपनी शक्ति प्रमाण विशुद्ध होकर बने, विशेष शुद्धि सहित होकर बढ़ता है, काय के द्वारा, चैतन्य परिणाम स्वरूप उपयोग के द्वारा, माने चैतन्य परिणाम स्वरूप उपयोग के द्वारा का मतलब क्या हुआ, माने अपने चैतन्य उपयोगात्मक होता हुआ, माने आत्मस्वरूप आत्मा में उपयोग के द्वारा, आत्मा में उपयोग लगाता हुआ, माने शुद्ध उपयोगी होता हुआ, अथवा यूं कहें अमन कि चैतन्यात्मक होता हुआ माने चैतन्य में अपने उपयोग को रमाता हुआ, चैतन्य स्वरूप लिखा ना, चैतन्य परिणाम स्वरूप उपयोग के द्वारा। उसका उपयोग क्या है, चैतन्य परिणाम ज्ञान में स्थिरता रूप उपयोग के द्वारा, चैतन्य परिणाम स्वरूप उपयोग के द्वारा, चैतन्य में लीनता रूप उपयोग के द्वारा। उपयोग समझे ना, उपयोग मतलब
ज्ञान दर्शन का व्यापार, तो वो व्यापार काहे में लगाया उसने, चेतन में, अपनी आत्मा में। जो आत्मा चैतन्य परिणाम स्वरूप उपयोग के द्वारा यथाशक्ति विशुद्ध होकर वर्तता है, वह आत्मा जिसे पद पद पर प्रत्येक पर्याय में, पद पद पर मतलब क्रम क्रम से होता है ना काम, जैसे जैसे ऊपर बढ़ता है ये, तो पर्याय पर्याय में क्या होती है, विशिष्ट विशुद्धि विशिष्ट विद्युत विशुद्ध शक्ति प्रकट होती जाती है, विशिष्ट विशिष्ट विशुद्ध शक्ति प्रकट होती जाती है। प्रति समय परिणामों में अनंत गुनी विशुद्धि बढ़ती जाती है, करणादियों की भाषा में कहे तो अधकरण अपूर्णकरण अनिवृत्तिकरण, क्या हो रहा है इसमें, हो क्या रहा है, प्रति समय परिणामों की विशुद्धि बढ़ रही है, विशुद्धि हर समय क्या हो रही है, क्रम क्रम से बढ़ती जा रही है। उसको उन्होंने कहा जैसे पद पद पर मैंने पर्याय पर्याय में प्रत्येक पर्याय में विशिष्ट विशुद्ध शक्ति प्रकट होती जाती है, और विशिष्ट विशुद्ध शक्ति प्रकट होती जाती है, ऐसा होने से क्या होता है, अनादि संसार से बंधी हुई दृढ़तर मोह ग्रंथि छूट जाने से, अनादि संसार से बंधी हुई थी क्या दृढ़तर मोह ग्रंथि, मोह की ग्रंथि, ग्रंथि माने क्या होता है, ग्रंथि माने गांठ, मोह की गांठ अनादि काल से बंधी हुई थी तो वो ग्रंथि छूट गई, मोह की गांठ छूट गई, मोह राग द्वेष परिणाम छूट गए, दृढ़तर मोह ग्रंथि छूट जाने से अत्यंत निर्विकार चैतन्य वाला कैसा हो गया, वो अत्यंत निर्विकारी मोह राग द्वेष रहित परिणाम वाला होता हुआ, निर्विकार चैतन्य वाला और समस्त ज्ञानावरण दर्शनावरण तथा अंतराय के नष्ट हो जाने से, ये मोह छोड़ दिया आ गया, पहले मोह ग्रंथि छूट गई फिर तीन गए, पहले किसका अभाव हुआ, मोह का अभाव, पहले मोह परिणाम गए फिर अंतरंग में जो ज्ञान दर्शन और अंतराय के ऊपर मतलब ज्ञान दर्शन और शक्ति के ऊपर जो आवरण था चला गया, पहले मोह का अभाव होता है ना, गुण स्थान प्रमाण देखो तो दसवें के अंत में मोह चला गया तो मोह ग्रंथि छूट गई, लेकिन अभी भी ज्ञान के ऊपर दर्शन के ऊपर आवरण है, शक्ति पूरी प्रकट नहीं हुई, तो इसलिए उसके बाद कहा पहले तो संसार से अनादि संसार से बंधी हुई दृढ़तर मोह ग्रंथि छूट जाने से, छूट जाने से मैंने मोह के मोह परिणाम छूट जाने से ये उसका फल है, मोह के छूटने का फल क्या है कि ज्ञान दर्शन के ऊपर जो आवरण है वो भी चला जाएगा, वीतरागता का फल है सर्वज्ञता, वीतरागी रहेगा अंतर्मुहूर्त में तो उसके फल में सर्वज्ञता प्रकट हो जाएगी, तू वीतरागी रह के देख एक अंतर्मुहूर्त देख सर्वज्ञता नहीं आए तो वो उसको हेतु बनाया, दृढ़तर मोह ग्रंथि छूट जाने से उससे ये काम हुआ है, उससे ये अत्यंत निर्विकार चैतन्य वाला होता हुआ समस्त ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय के नष्ट हो जाने से निर्विघ्न, अब कोई विघ्न नहीं रहा, ये सब प्रतिबंधक कारण थे ज्ञान के अंदर, ज्ञानावरण का उदय प्रतिबंधक कारण था, अब जब आवरण मिट गया तो ज्ञान अपनी निर्विघ्न शक्ति सहित समस्त को जानता है, विघ्न नहीं रहे जानने के अंदर, कोई प्रतिबंध था ना जब तक तब तक वो उसको जान नहीं पाता, जैसे अभी सारे प्रतिबंधक कारण मौजूद है, ज्ञानावरण का उदय मौजूद है, हम इसको नहीं जान पा रहे, पीछे की चीज भूत भविष्य की पर्याय, क्यों, क्योंकि आवरण का प्रतिबंध है, जैसे सूर्य है जब तक उस पर मेघ पटल का आवरण है तब तक वो अपनी पूरी शक्ति सहित प्रकट नहीं होता, फिर आवरण का अभाव जाने से उसको कौन रोक सकता है, उसके प्रताप को कौन रोक सकता है, ऐसे ज्ञान के ऊपर समस्त आवरण का अभाव हो जाने से उसको जानने से कौन रोक सकता है, उसको जानने में जो रोकने वाला कारण थे वो सब मिट गए, अब मिट गए तो वो पूरा अपने स्वभाव में पूरी ताकत से प्रकाशित होगा, रोकने वाले कारण नहीं रहे ना, तो इसलिए पूरा ज्ञान जितना था मतलब जितना था मतलब जितनी ज्ञान की शक्ति थी अनंतात्मक वो पूरी की पूरी प्रकट हो, उसको कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, इसलिए सबको जाने ही जाने, क्यों नहीं जाने, अत्यंत विकसित निर्विघ्न विकसित आत्मशक्तिवान स्वयं होता हुआ, स्वयं ही होता हुआ गेता को प्राप्त माने जो गे पने को प्राप्त है ऐसे जो पदार्थ उनके अंत को पा लेता है, उनके अंत को माने सबको जान लेता है, जितने गे है वहां तक ज्ञान पहुंच जाता है, वहां अंत तक पहुंच जाता है, गेहों के अंत तक, ये कहने की भाषा है, गेहूं के अंत को पहुंच जाता है मैंने समस्त गेहूं को जान जाता है, यह कहा है कि आत्मा ज्ञान स्वभाव है,
और ज्ञान के प्रमाण है, ये गाथा है आगे, आदा नान प्रमाणम नानम ने प्रमाणम नेयम लोया लोयम तमानम तो सब हो गया, ये गाथा आएगी उसमें। आत्मा ज्ञान प्रमाण है, आत्मा कितना है, ज्ञान प्रमाण है, ज्ञान ये प्रमाण और गे लोकालोक प्रमाण है, इसलिए आत्मा सर्वगत है। नानम ज्ञान आत्मा कितना है, ज्ञान कितना, ज्ञान आधा नान प्रमाण, आत्मा कितना है, ज्ञान प्रमाण, ज्ञान कितना बड़ा, ये प्रमाण, ये कितने बड़े, लोकालोक प्रमाण, और इसलिए आत्मा क्या है, लोकालोक प्रमाण हुआ ना, लोकालोक प्रमाण हुआ ना, लोकालोक को जान लेता है, मतलब सर्वगत है, इसलिए इस अपेक्षा से सर्वगत, जैसे ये कितना बड़ा, ये इतना बड़ा, ये कितना बड़ा, ये इतना बड़ा, हेंस ये इससे इतना बड़ा, आत्मा कितना बड़ा, ज्ञान बड़ा, ज्ञान जितना, ज्ञान कितना बड़ा, ये जितना, ये कितने बड़े, लोकालोक प्रमाण, तो आत्मा कितना बड़ा हुआ, लोकालोक प्रमाण, ये तो यहाँ यह कहा कि आत्मा ज्ञान स्वभाव है और ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है, इसलिए समस्त ज्ञेयों के भीतर प्रवेश को प्राप्त, सारे ज्ञेयों के भीतर प्रवेश को प्राप्त हो गया, कौन, ज्ञान, ऐसा जिसका स्वभाव है, ऐसा ज्ञान जिसका स्वभाव है, ऐसे आत्मा को, कैसा ज्ञान स्वभाव है, कि ऐसा ज्ञान है कि जो सारे ज्ञेयों के भीतर प्रवेश को प्राप्त हो जाता है, ऐसा ज्ञान जिसका स्वभाव है, ऐसा आत्मा, माने आत्मा का स्वभाव है ज्ञान, और वो ज्ञान कैसा है कि जिसने समस्त ज्ञेयों के भीतर प्रवेश को प्राप्त कर लिया, ज्ञेयों के भीतर घुस गया हो, तो घुस गया क्या हो, घुस गया क्या क्या मतलब, जान लिया, घुस गया मतलब कोई उसमें आत्मा तो ही चला गया, वो तो अन्य मत जैसा तो ही नहीं कि सब में आत्मा व्याप्त है, आत्मा कण कण में चला गया, आत्मा सब में घुस गया है, आत्मा नहीं घुसा है, आत्मा का ज्ञान घुसा है, इसलिए समस्त ज्ञेयों के भीतर प्रवेश को प्राप्त ज्ञान, आत्मा नहीं, समस्त ज्ञेयों के भीतर कौन प्रवेश को प्राप्त हुआ है, ज्ञान, और ऐसा ज्ञान जिसका स्वभाव है, ऐसे आत्मा को, ये आत्मा शुद्धोपयोग के ही प्रसाद से प्राप्त करता है, ऐसा ज्ञान जिसका स्वभाव है, ऐसा ऐसा आत्मा, मैंने ऐसा केवल ज्ञान स्वभावी आत्मा को, यह आत्मा कैसे प्राप्त करता है, शुद्धोपयोग के प्रसाद से प्राप्त करता है, और कोई नहीं उसके अंदर, शुद्धोपयोग प्रसादात एव आसाद्यति, एक शुद्धोपयोग के प्रसाद से प्राप्त करता है, और कोई नहीं कारण उसमें, उसने केवल ज्ञान को प्राप्त किया तो किसके प्रसाद से प्राप्त किया, अपने स्वयं के शुद्धोपयोग के प्रसाद से प्राप्त, भावार्थ पढ़ लेता हूं, देखो शुद्धोपयोगी जीव प्रति क्षण अत्यंत शुद्धि को प्राप्त करता रहता है, हर क्षण 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 अनंत ये शुद्धि बढ़ती जाती है उसकी, और इस प्रकार मोह का क्षय करके, अनंत गुणी शुद्धि के द्वारा मोह का क्षय करके, निर्विकार चेतनावान होकर 12वें गुण स्थान के अंतिम समय में ज्ञानावरण दर्शनावरण और अंतराय का युगपत क्षय करके, एक साथ तीनों जाते हैं, एक साथ क्रम क्रम नहीं पड़ता है, मोह का क्षय हुआ 10वें के अंत में और 12वें के अंत समय में, तीनों का एक साथ क्षय हुआ, युगपत क्षय करके समस्त ज्ञेयों को जानने वाले केवल ज्ञान को प्राप्त करता है, इस प्रकार शुद्धोपयोग से ही शुद्धात्म स्वभाव का लाभ होता है, शुद्धात्म वो आत्मा जिसने केवल ज्ञान को प्राप्त किया है, वो आत्मा शुद्धात्मा रूप है, जब उसकी शुद्धता के बल से ही तो केवल ज्ञान हुआ है, केवल ज्ञान का क्या मतलब, उसमें लोकालोक को जानने की शक्ति कब हुई, जब उसमें अशुद्धता का अभाव हुआ, ये तो पीछे मैंने पढ़ा ना, ये कहीं निर्विकार चैतन्य वाला वो हुआ, मैंने अशुद्धि पूरी चली गई, शुद्धात्म स्वभाव रूप हुआ, और उस शुद्धात्म स्वभाव को इस आत्मा ने प्रकट प्राप्त किया, मैंने केवल ज्ञान प्राप्त किया, मैंने शुद्धात्मा को प्राप्त किया, किसके बल से प्राप्त किया, शुद्धों के प्रसाद से।